बिछ गई है यूपी की महाबिसात। राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर? उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी किस ओर? देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम यूपी का वोट युद्ध। 2022 विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे में ही चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खुलबली चालू हो गई है। वहीं जनपद कन्नौज की बात की जाए तो जनपद कन्नौज में भी लोगों को जो राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो यहां भी चालू हो गई हैं। और यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर लगभग 7 लोगों को आज ग्राम प्रधान थे जो जिन्हें आज सदस्यता दी गई है जिला अध्यक्ष कलीम खां के नेतृत्व में। और यहाँ पर बात की जाए तो लगभग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं डेली एक ना एक लोगों को सदस्यता दिलाने का काम शुरू कर दिया है। बात की जा रही है तो विधानसभाओं में लेकर तो इसमें जो सपा की पार्टी के में जो लोग जिस प्रकार से भर्ती हो रहे हैं, जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं, इसे नए युवाओं की बात की जाए तो इसमें नए युवा भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और समाजवादी के साथ में चलने की बताया। वहीं आपको जानकारी लेंगे और बसपा को छोड़कर दर्जनों प्रधान तिरवा विधानसभा के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि अब लड़ाई हम लोगों को बूथ पे लड़नी है, रैलियों पे तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो तो अब बूथ की रखवाली करनी है। अपने बूथों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं। हमें विश्वास है कन्नौज से 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएंगी। नौजवानों किसानों के बल पर जाएंगे कि नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। इसलिए सभी अपना गुस्सा 5 में शोषण उत्पीड़न का बदला लेना चाहते हैं। कभी कभी तो नौजवान इतने में गुस्से में मशीन की बटन दबाने की सोच रहा है मशीन बचेगी या टूट जाएगी, क्योंकि नौजवानों में उत्साह। कई नौजवान ऐसे आज युवा दिवस भी है जिन्होंने कहा कि युवा दिवस तो सच्चा उसी दिन साकार होगा जिस दिन आज तो हम संकल्प ले रहे हैं, जिस दिन हमें बटन दबाने का मौका मिलेगा और 5 की जुल्म और जाति शोषण करने जो हुआ है हम पे उसका हिसाब करने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी नौजवान किसान बंधु तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने। अभी आप कार्यकर्ताओं को संबोधन कर